प्रणाम मित्रों, कुलदीप भगत ऑनलाइन क्लासेस में पुनः स्वागत करता हूँ आपका। देखिए, आज अपन बात कर रहे हैं जोधपुर के राठौड़। और जोधपुर के राठौड़ों में अपन बात करेंगे, अपनी सातवीं क्लास है, सातवीं क्लास के संदर्भ में बात करेंगे। अपन बात करें तो जसवंत सिंह प्रथम है, इसके संदर्भ में देखेंगे। देखिए, जसवंत सिंह प्रथम, जसवंत सी है प्रथम, जसवंत सिंह प्रथम है, 1638 से 78 का कार्यकाल है। 1638 से 78 का इसका कार्यकाल है। जसवंत सिंह, जसवंत सिंह में देखें आप, जन्म बुरहानपुर में हुआ, जन्म है बुरहानपुर, जन्म बुरहानपुर में इसका हुआ। शाहजहां ने आगरा में इसका राज्याभिषेक किया। 1638 में आगरा शाहजहां ने इसका क्या किया, राज्याभिषेक है यह किया, राज्याभिषेक किया। अब अपन बात करते हैं इसको कितना मनसब दिया, 4,000 का मनसब है यह दिया। कितने हजार का, 4,000 का मनसब दिया। 1648 में सात सूजा के साथ में कंधार पर भेजा गया, इसका कंधार अभियान, कंधार अभियान कब, 1648 में कंधार अभियान है, किसके साथ में भेजा गया, शाह सूजा, जो शाहजहां का बेटा है, शाह सूजा, इसके साथ में भेजा गया। कौन से अभियान, कंधार अभियान पे, और किसके विरुद्ध, ये कंधार का जो शासक था ये शाह अब्बास था, इसके विरुद्ध भेजा गया, शाह अब्बास के विरुद्ध भेजा गया। यहां पर शाहजहां ने इसकी वीरता से प्रसन्न होकर इसका मनसब 6,000 कर दिया, यानी शाहजहां ने इसका मनसब है, इस वीरता से प्रभावित होकर इसका मनसब है, ये कितना कर दिया, 6,000 का मनसब कर दिया इसका, ये मनसब कर दिया साहब इसका, 6,000 मनसब, मनसब 4,000 से कितना हो गया इसका, 6,000 हो गया, 6,000 इसका मनसब कर दिया गया। और 1658 के अंदर औरंगजेब व दारा के मध्य युद्ध हुआ था धर्मत का युद्ध। तो देखिए, धर्मत का युद्ध 1658 में, 1658 में कौन सा युद्ध हुआ, धर्मत का युद्ध हुआ 1658 में, और किन किन के मध्य था, ये मध्य था दारा वह औरंगजेब के मध्य, जिसमें दारा और औरंगजेब के मध्य यह युद्ध हुआ था। और इस युद्ध के अंदर जब अपन बात करें तो जसवंत सिंह ने किसका साथ दिया, दारा का साथ दिया, दारा का साथ दिया, ठीक है साहब, दारा के साथ रहा। और विजय किसकी होती है, औरंगजेब, और औरंगजेब और शाहजहां के उत्तराधिकारी युद्धों के अंदर पांच युद्ध होते हैं, जिसमें अंततः औरंगजेब की विजय होती है, औरंगजेब शासक बनता है। और यहां पर देखिए, अपन बात करें तो जसवंत ने सारा का साथ, दारा का साथ दिया, औरंगजेब विजय रहा। इसके बाद में इस युद्ध में घायल अवस्था में कहां पहुंचा, जोधपुर दुर्ग। और यहां पर इसकी रानी, रानी का नाम क्या है, जसवंत दे ने फाटक नहीं खोले थे, दुर्ग के फाटक नहीं खोले, और कहा राजपूत या तो युद्ध के अंदर मारा जाता है, वीरगति को प्राप्त होता है, या युद्ध जीतता है, और इस बात को कह करके ये दरवाजा नहीं खोलती है, नहीं फाटक नहीं खोलती है, और स्वयं सती होने के लिए यह चल पड़ती है। लेकिन उसके बाद में इनके मंत्रियों के द्वारा या इन इस रानी को समझाने के बाद में यह है क्या करती है, यह दरवाजा खोलती है। यहां पर अपन बात करें तो इतिहासकार है बर्नियर, और इतिहासकार है मनुची, और इतिहासकार है खफी खां, खफी खां। इसके अनुसार, इन तीनों के अनुसार जो रानी थी, इस रानी का नाम है महामाया, ठीक है साहब। ये जसवंत नहीं बताते हैं, ये कौन सी रानी बताते हैं, महामाया बताते हैं इसका नाम, ठीक
ठीक है, तो कोई विशेष बात नहीं, अपने को ध्यान में रखनी है। इसके बाद में जो युद्ध हुआ ये हुआ दो राई का युद्ध, दो राई का युद्ध। और ये दो राई है, ये जगह अजमेर में पड़ती है, और ये होता मार्च मार्च 1569 को, किसका युद्ध हुआ था, सॉरी 1669 को किसका युद्ध हुआ था, दो राई का युद्ध। और ये युद्ध है यह भी किसकी के मध्य होता है, दारा व औरंगजेब, औरंगजेब। और इसमें भी किसकी विजय होती है, औरंगजेब की। यह शाहजहां के पुत्रों के मध्य उत्तराधिकारी युद्ध होने वाला अंतिम युद्ध था। इसमें किसकी विजय होती है, औरंगजेब की। और औरंगजेब है यह मुगल बादशाह बन जाता है। इसके बाद में अपन बात करें, दोनों के अंदर कटुता थी, कटुता उत्पन्न होगी, क्यों उत्पन्न हो गई, क्योंकि सब हर बार जो जसवंत सिंह है ये किसका साथ दे रहा था, दारा का साथ दे रहा था, औरंगजेब की अवहेलना कर रहा था, इसी कारण औरंगजेब है और जसवंत सिंह के मध्य कटुता उत्पन्न हो गई। अब आमेर के और आमेर का जयसिंह प्रथम है, जयसिंह प्रथम, इसने 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 क्या महत्वपूर्ण काम किया, तो देखिए औरंगजेब वह जसवंत सिंह है को मिलाया, कटुता दूर की, कटुता इसने दूर करी, किसकी, जसवंत सिंह और औरंगजेब की मध्य, इनमें जो कटुता थी वो दूर करी इसने। इसके बाद में क्या बात करें अपन, 1669 में गुजरात का सूबेदार बनाया गया इसे औरंगजेब द्वारा, गुजरात का सूबेदार, गुजरात का सूबेदार बना दिया गया इसे। औरंगजेब ने जसवंत को शिवाजी के पास भेजा, सब शिवाजी के विरुद्ध भेजा। औरंगजेब ने जसवंत सिंह को शिवाजी के विरुद्ध भेजा, शिवाजी के विरुद्ध भेजा। और यहां पर औरंगाबाद में रहते हुए, औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, औरंगाबाद में रहते हुए यहां पर क्या किया जसवंत सिंह ने, जसवंतपुरा गांव और जसवंत सागर तालाब की स्थापना करता है, जसवंतपुरा गांव व जसवंत सागर तालाब का निर्माण करवाया। आगे देखिए अपन बात कर रहे हैं जसवंत सिंह की, और जसवंत सिंह में देखेंगे अपन, बुरहानपुर में इसका जन्म हुआ, 1638 में आगरा में इसका राज्याभिषेक हुआ, और राज्याभिषेक किसने किया, शाहजहां ने। और कौन, कितना मनसब दिया, 4000 का मनसब दिया। कंधार अभियान भेजा गया था 1648 में, शाह शुजा जो किसका पुत्र था, शाहजहां का पुत्र था शाह शुजा, और शाह शुजा के साथ में किसको भेजा गया, जसवंत सिंह को भेजा गया, किसके खिलाफ भेजा गया, यहां पर शाह अब्बास जो किसका कांगा शासक था, कंधार का शासक था शाह अब्बास, इसके खिलाफ भेजा गया। यहां पर जसवंत सिंह ने अपनी वीरता से किसको प्रभावित किया, शाहजहां को प्रभावित किया, और शाहजहां ने इसको कितना मनसब दिया, 6000 का मनसब कर दिया, इसको 4000 से 6000 कर दिया। धर्मत का युद्ध हुआ, कब हुआ, 1638 के अंदर, आपको पता है शाहजहां के समय ही उत्तराधिकारी युद्ध हुआ था, और पांच उत्तराधिकारी युद्ध हुए थे, इनमें देखेंगे धर्मत का युद्ध है, धर्मत का युद्ध दारा और औरंगजेब के मध्य, और दोनों के दोनों किसके पुत्र थे, शाहजहां के, जिसमें कौन दारा का साथ कौन देता है, जसवंत सिंह देता है। और इस युद्ध में घायल कौन हो जाता है, जसवंत सिंह घायल हो जाता है। जसवंत सिंह घायल अवस्था में कहां पहुंचता है, जोधपुर दुर्ग पहुंचता है, और जोधपुर दुर्ग में इसकी रानी थी जिसका नाम था जसवंत देव, ये दुर्ग के फाटक नहीं खोलती है, और कहती है या तो वीर मारे जाते हैं घायल अवस्था में नहीं आते हैं, या मुंह छिपा कर या घायल अवस्था में नहीं आते हैं, इसलिए ये क्या करती है, दुर्ग के फाटक नहीं खोलती है, दुर्ग के फाटक नहीं खोलती है। इसमें बर्नियर मनुची और खफीका क्या कहते हैं साहब, कि इस रानी का नाम है महामाया था, ये ध्यान में रखना है, यानी बर्नियर मनुची खफीका के अनुसार महामाया। दो राय का युद्ध हुआ मार्च 1669 के अंदर दारा और औरंगजेब के मध्य, इसमें किसकी विजय हुई, औरंगजेब, और औरंगजेब कहां का शासक बन गया, मुगल बादशाह बन गया। इसके बाद में अपन बात करें तो देखेंगे औरंगजेब और जयसिंह, आमेर का शासक था जयसिंह, जिसने औरंगजेब और जसवंत सिंह के मध्य जो कटुता थी उसको दूर किया, दोनों को मिलाया। अब 1669 के अंदर गुजरात का सूबेदार किसे बनाया गया, जसवंत सिंह को बनाया गया। औरंगजेब ने
जसवंत सिंह को शिवाजी के विरुद्ध भेजा। यहां पर रहते हुए औरंगाबाद में जसवंत सिंह ने क्या किया, जसवंतपुरा तो गांव बसाया और जसवंत सागर तालाब की क्या करी, स्थापना करी। इसके बाद देखिए आगे आगे अपन बात करें और क्या महत्वपूर्ण बात रहेगी। नेक्स्ट देखिए जसवंत सागर तालाब की क्या कर दी इसने, स्थापना कर दी। कहां पर कर दी, औरंगाबाद में रहते हुए। इसके बाद में आगरा में जसवंत सिंह ने एक कचहरी बनाई, आगरा में जसवंत सिंह है ने एक कचहरी कचहरी का निर्माण करवाया। किसका निर्माण करवाया, कचहरी का निर्माण करवाया, जिसे जसवंत सिंह की छतरी कहते हैं। वर्तमान में जिसे जिसे जसवंत की छतरी कहते हैं साहब, क्या कहते हैं, जसवंत की छतरी कहते हैं। इसके बाद में अपन देखेंगे तो देखिए 28 नवंबर 1678 को जमरूद में इसका निधन हो गया। 28 दिसंबर डेट कोई मायने रखती है, 28 नवंबर 1678 में जमरूद जमरूद में इसका क्या हो गया, निधन हो गया। और इसके निधन पर औरंगजेब ने कहा, इसका कथन है कि आज कुफर का दरवाजा टूट गया। ये कथन किसका है, औरंगजेब का। किसके विरुद्ध है, जसवंत सिंह के विरुद्ध है सर। आज कुफर का दरवाजा टूट गया। नेक्स्ट अपन बात करें, जसवंत सिंह के समय जोधपुर में चित्रकला का विकास हुआ, इसलिए जसवंत सिंह का स्वर्ण काल कहलाता है, चित्रकला का काल। ठीक है साहब, जसवंत सिंह की रचनाएं हैं कुछ, इसकी कुछ रचनाएं हैं, स्वयं की रचनाएं हैं। रचनाओं में देखिए क्या क्या महत्वपूर्ण इसकी रचनाएं हैं। रचनाओं में देखें भाषा भूषण, पहली रचना है भाषा भूषण। दूसरी जो इनकी रचना है भाषा भूषण के बाद में अप्रोक्ष सिद्धांत सार, अप्रोक्ष सिद्धांत सार ये इनकी रचना है। इसके बाद में प्रबोध चंद्रोदय, प्रबोध चंद्रो दे। नेक्स्ट जो इनकी रचना है, ये इनकी रचना अपन देखेंगे तो देखें यहां पर देख लेते हैं, प्रबोध चंद्रोदय के बाद में इनकी रचनाओं के बारे में जब अपन बात करें तो है आनंद विलास और है गीता। नेक्स्ट इनकी गीता मातम में, ये इनकी क्या है सब रचनाएं, किसकी रचनाएं हैं, जसवंत सिंह की रचनाएं हैं। इसके बाद में इसका दरबारी देखें, जसवंत सिंह के दरबारी, तो दरबारियों की जब अपन बात करें तो दरबारी था इनका, एक तो था सूरत मिश्र और जो दूसरा था नरहरिदास और जो तीसरा था ये था बनारसी दास और जो चौथा था ये था मोहनोत नैणसी। ठीक है साहब, ये इनके क्या थे, दरबारी थे। अब कुछ नैणसी के बारे में महत्वपूर्ण बातें हैं। देखिए नैणसी के बारे में जब अपन बात करें तो क्या क्या है, ये जसवंत सिंह का दीवान था, जसवंत सिंह है का दीवान, एक बात तो ये ठीक है साहब, जसवंत सिंह का दीवान था। इसे राजस्थान का अबुल फजल कहते हैं, राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है। और देखेंगे राजस्थान में जन गणना का अग्रज, राजस्थान में जनगणना का क्या कहते हैं इसको, अग्रज कहते हैं। अब देखेंगे इनकी रचनाएं कौन कौन सी थी, तो रचनाओं में देखेंगे तो
मूनोत नैंसी रिख्यात या नैंसी रिख्यात, शॉर्ट में लिख देता हूं नैंसी रिख्यात, नैंसी रिख्यात। और दूसरी जो इनकी रचना थी मारवाड़ रा परगना री विगत, मारवाड़ रा परगना री विगत, मारवाड़ रा परगना री विगत, ये इनकी क्या थी मित्रों रचनाएं थी। इसके बाद में आगे देखेंगे अपन क्या महत्वपूर्ण बात और होती रहती है। जसवंत दे तो इसकी रानी थी, इसको मनुचि या बर्नियर है, ये मामाएं बताते हैं। ये क्या करवाती है, राई का बाग, राई का बाग बनवाती है जो जोधपुर में है। राय का बाग किसके द्वारा बनाया गया है, जसवंत दे यानी जसवंत की पुत्री सॉरी पत्नी है इसके द्वारा। इसके बाद में इसी ने क्या बनवाया, कल्याण, कल्याण सागर तालाब की स्थापना की, सागर तालाब, कल्याण सागर तालाब की क्या करवाई इसने, स्थान इन वर्तमान में रातानाड़ा, वर्तमान में से रातानाड़ा कहा जाता है इसी को। नेक्स्ट अपन बात करें तो देखिए औरंगजेब ने जसवंत की मृत्यु के बाद में, औरंगजेब ने जसवंत की मृत्यु के बाद, औरंगजेब ने जसवंत की मृत्यु के बाद क्या किया, जोधपुर को, जोधपुर को खालसा घोषित कर दिया, खालसा घोषित किया जैसे अकबर ने किया था राव चंद्र सेन के बाद में खालसा घोषित किया, वैसे इसने क्या कर दिया, खालसा घोषित कर दिया। अब यहां पर अपन बात करें जसवंत सिंह, जसवंत सिंह की मृत्यु के समय, मृत्यु के समय क्या महत्वपूर्ण बात होती है ये देखें, मृत्यु के समय इसकी रानी है जिसका नाम है जादम या जसवंत दे, जादम या जसवंत दे। इसने इसके गर्भ से कौन पैदा हुआ, इसके गर्भ से जो पैदा हुआ जादम के गर्भ से ये था अजीत सिंह, अजीत सिंह है। और दूसरी रानी थी नरुकी, और नरुकी ने किसको जन्म दिया, नरुकी से जो पैदा हुआ ये था दलथमन, दलथमन, नरुकी से कौन पैदा हुआ, दलथमन। देखिए बात कर रहे हैं अपन जसवंत सिंह की, आगरा, आगरा में रहते हुए जसवंत सिंह ने एक कचेरी बनवाई जिसे वर्तमान में जसवंत सिंह की छतरी कहते हैं। जमरूद में इसका निधन हो गया अफगानिस्तान में 1678 में, जब इसका निधन होता है, एक तो ये क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण निधन कहां पर हुआ, और दूसरी बात ये महत्वपूर्ण है कि औरंगजेब इसके मरने के बाद में क्या कहता है, आज कुफर का दरवाजा टूट गया, कुफर का मतलब होता है धर्म विरोध, आज कुफर का दरवाजा टूट गया, ऐसा ही एक वाक्य और आता है। और ये वाक्य कहां पर आता है, अलाउद्दीन खिलजी है जब रणथंभौर पर अधिकार कर लेता है तो अमीर खुसरो कहता है कि आज कुफर का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। अब अपन बात करें जोधपुर में जो चित्रकला का स्वर्ण काल है किसका काल है, जसवंत सिंह का काल है। इसकी रचनाएं देखेंगे भाषाभूषण, अप्रोक्ष सिद्धांत, सार प्रबोध, चंद्रोदय, आनंद विलास, गीता मातम में। इसके दरबारी देखें सूरत मिश्र, नरहरिदास, बनारसीदास, मूणोत नैंसी। नैंसी की अपन बात करें तो नैंसी है यह जसवंत सिंह का क्या था, दीवान था। इसे राजस्थान का अबुल फजल कहते हैं, राजस्थान में जनगणना का अग्रज कहते हैं। इसकी रचनाएं देखिए, एक तो नैंसी रिख्यात, दूसरी मारवाड़ रा परगना री विगत। अब अपन बात करें जसवंत सिंह, जसवंत सिंह की रानी जिसका नाम है जसवंत दे, इसने राय का बाग बनवाया जोधपुर के अंदर, और एक कल्याण सिंह सॉरी कल्याण सागर तालाब बनवाया जो वर्तमान में रातानाड़ा के नाम से जाना जाता है। अब औरंगजेब है, औरंगजेब जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद में जोधपुर को क्या घोषित कर दिया, खालसा घोषित कर दिया। जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद उसकी रानी जादम व नरुकी गर्भवती थी मृत्यु के समय, मृत्यु हो जाने के बाद में जादम या जसवंत दे ने किसे पैदा किया, अजीत सिंह ने, और नरुकी ने किसे पैदा किया, दलथमन ने। आगे चलकर ये अजीत सिंह है यही क्या बनेगा, जोधपुर का शासक बनेगा। अजीत सिंह है इसको औरंगजेब है ये नूरगढ़ किले में दिल्ली में कैद कर देता है और इस्लाम धर्म से इसकी शिक्षा दीक्षा करने लगता है, इसका नाम इस्लाम के हिसाब से रख देता है और कहता है कि जब ये वाली को जाएगा तो मैं इसको
जोधपुर राज्य है ये सौंप दूंगा, लेकिन औरंगजेब की मंशा थी कि जोधपुर राज्य को हड़पा जाए। यहाँ पर दुर्गादास है, ये मदद करेगा दुर्गादास की चातुर्यता से, और जसवंत सिंह को इसकी कैद से छुड़ाया जाएगा और जोधपुर का शासक बनाया जाएगा। तो इसके बाद में मित्रों अपन बात करेंगे अजीत सिंह के बारे में। धन्यवाद।